एवरीवन, वेलकम टू सीबी प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसे हम सीबी प्लस में एचएमएस करके बोलते हैं। सीबी प्लस का एचएमएस सॉफ्टवेयर एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जो काफ़ी यूजफुल है सर्वेलेंस सिस्टम्स के लिए। आज की डेट में अगर हम देखें, कैमराज इंस्टॉल होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, आपके बैंक्स में, रेलवे स्टेशंस में, और ये नंबर ऑफ़ कैमराज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जब हम कैमरा इंस्टॉल करते हैं उसके बाद ये काफ़ी ज़रूरी बन जाता है कि वो कैमरा हमारा फंक्शन करे और प्रॉपरली उसमें हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टोर हो। बट कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं बट रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती है, बिकॉज ऑफ हार्ड डिस्क हमारी उसमें भर चुकी होती है, या हार्ड डिस्क में कुछ एरर होता है, या कोई डिवाइस काम नहीं कर रहा है, या कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सी पी प्लस ने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की है जिसे हम एचएमएस बोलते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज़ क्लाउड बेस्ड। इस एप्लीकेशन के थ्रू हमारे सिस्टम में, सर्वेलेंस सिस्टम में, अगर किसी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो, डिवाइस काम ना कर रहा हो, या रिकॉर्डिंग हमारी ऑफ हो, या हार्ड डिस्क में कुछ एरर हो, या अलार्म इनपुट से हमें किसी तरीके का कोई अलार्म इनपुट मिले, तो ये सारे ही अलर्ट्स को हम एचएमएस के थ्रू इंस्टेंटली मोबाइल एप्लीकेशन में भेजते हैं जो कस्टमर के मोबाइल में इंस्टॉल्ड। एचएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने सर्विलेंस सिस्टम को 24/7 अप रख सकते हैं। एचएमएस को अगर हम बात करें, ये सभी डिवाइसेस के लिए, अगर हम बात करें डीवीआर की, हम बात करें आईपी कैमरा या एनवीआर की, ये सभी प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें अपने सर्विलेंस सिस्टम की कंप्लीट रिपोर्ट मिलती है कि हमारे कितने डिवाइसेस ऑफलाइन हैं, कितने डिवाइसेस ऑनलाइन हैं, कैमरास का क्या स्टेटस है, कितने कैमरास ऑनलाइन हैं, कितने ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन कैमरास का रिकॉर्डिंग स्टेटस मिलता है, कितने कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं और कितने कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हार्ड डिस्क का स्टेटस पता लगता है कि कितने हार्ड डिस्क में एरर है, किस हार्ड डिस्क में एरर नहीं है, अलार्म स्टेटस का हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है, आर्म डिसआर्म स्टेटस मिलता है, अगर आपके पास एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है, तो उनकी भी हमें यहाँ पर डिटेल मिल जाती है, और यहाँ पर हमें अलार्म जोन का स्टेटस मिलता है कि हमने जो अलार्म पैनल लगाया है वो नॉर्मल जोन में है, अलार्म जोन में है, या डिसआर्म है, या इनएक्टिव है। तो ये सारी ही इंफॉर्मेशन हमें डैशबोर्ड में मिल जाती है। सी पी प्लस का जो एचएमएस सॉफ्टवेयर है इसको हम क्लाउड के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई अपना सर्वर सिस्टम नहीं लगाना है। सी पी प्लस का अपना खुद का एक सर्वर है, अगर आप इस पर देखना चाहते हैं तो hms.cpplus.cloud.com ये वेबसाइट है जिस पर आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपने डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन देती है अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपका कोई कैमरा ना काम कर रहा हो तो आपका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आएगा, रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रही हो तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आएगा। इसी तरीके से डिफरेंट अलर्ट्स हमारे जो भी आते हैं वो अलर्ट्स हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक्सेस रहेंगे। डैशबोर्ड पे एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें किसी नए डिवाइस को रजिस्टर करना है तो हम यहाँ पर डिवाइसेस पर क्लिक करते हैं। ये जो मैं यहाँ पर पोर्टल दिखा रहा हूँ, ये हमारा एचएमएस का क्लाइंट पोर्टल है, जो क्लाइंट सर्विस लेंगे एचएमएस की, उसके बाद जब वो लॉगिन करेंगे तो उन्हें इसी तरीके का पोर्टल दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड उसमें दिखाई देगा। डैशबोर्ड में कंप्लीट सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई देगी कि कौन से डिवाइसेस का क्या स्टेटस है। अगर हम आगे बात करें तो इसमें हमें डिवाइसेस के नेम, उनका टिकट आईडी, क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होता है कैमरे के ऊपर या डीवीआर एनवीआर के ऊपर, उस इंसिडेंट की एक टिकट आईडी जनरेट हो जाती है। दैट मीन्स एक ऑटोमेटिकली टिकट जनरेट हो जाता है हमारे एसआई को, जो भी सिस्टम इंटीग्रेटर है, जो भी हमारा पार्टनर है, जिसके लिए क्लाइंट ने जिस पार्टनर को इसके लिए ऑथराइज़ किया होगा कि वो इसकी सर्विस को देखे, उसके लिए एक टिकट जनरेट हो जाता है और वो टिकट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। उसका स्टेटस क्या है, वो ओपन हो चुका है या क्लोज है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर से हम सारे डैशबोर्ड से इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देन डिवाइसेस पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से हम डिवाइसेस ऐड करते हैं। ये हमने डिवाइसेस पर क्लिक किया तो ये हमारा डिवाइस का पोर्टफोलियो है। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे डिवाइसेस ऑलरेडी एडेड हैं। हमें किसी भी नए डिवाइस को ऐड करना हो तो हम इस ऐड डिवाइस बटन पर क्लिक करते हैं। देन अगर मुझे इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो हम यहाँ पर से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें सभी डिवाइसेस का स्टेटस भी बता रहा है कि कौन सा डिवाइस ऑन है, कौन सा ऑफ है, ऑफलाइन, ऑनलाइन,
सभी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है सो हम यहीं पे से एक्शन ले सकते हैं। ये डिवाइस को एडिट करने का ऑप्शन है, यहाँ पर हम डिवाइस की इंफॉर्मेशन को अगर एडिट करना चाहते हैं तो डिवाइस की इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्लान पर हम जाना चाहते हैं, क्योंकि HMS एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है तो इस सर्विस के लिए हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो इसमें 7 days तो फ्री हैं, आफ्टर दैट हमें पर डिवाइस का कुछ चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। देन आगे हम जाएँ तो यहाँ पर टिकट्स की बात है, तो टिकट्स पर हम देखेंगे कि कौन कौन से अलर्ट जनरेट हुए, उनके लिए जो टिकट जनरेट हुआ होगा वो टिकट किसको असाइन हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखेगी। तो ये सबसे पहले किस यूज़र नेम के ऊपर ये डिवाइस रजिस्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। देन डिवाइस का नाम, ये डिवाइस नेम में हम कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं जिससे हम इजीली डिवाइस को ट्रैक कर सकें कि वो किस लोकेशन का है। यहाँ पर टिकट की आईडी है। देन टाइप ऑटो जनरेटेड एक टिकट फी है जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जनरेट की है। देन सब्जेक्ट में अलार्म इनपुट स्टेटस, दैट मीन्स अलार्म जो डिवाइस हमारा NVR है या DVR है या IP कैमरा है उसके अलार्म इनपुट में कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी तो उसके लिए अलार्म इनपुट स्टेटस यहाँ पर आएगा। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किस पैनल से वो आया, वो आर्म था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलेगी। देन किस डेट पर वो क्रिएट हुआ, किसको एस्केलेट हुआ, अगर मैं यहाँ पर किसी SI को इसको असाइन करूँगा इस डिवाइस को तो वो उस पर्टिकुलर SI के लिए यहाँ पर एस्केलेटेड टू में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देन इसका स्टेटस अभी ओपन है, दैट मीन्स ये इश्यू अभी तक चल रहा है, ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। जैसे ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा तो हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टिकट पे क्लिक करूँ तो उस पर्टिकुलर टिकट में क्लिक करने के बाद मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि अभी तक उसमें क्या उसका क्या स्टेटस है और वो फर्दर उस पर क्या SI के थ्रू अब उस पर स्टेप्स लिए गए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पोर्टफोलियो पर मिलती है। सो HMS एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम्स को 24/7 आप रख सकते हैं, कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंट हो उसकी इंस्टेंट रिपोर्ट हमारे पास रहेगी और हम इसका डेली बेसिस पे ऑडिट कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।